forever, ever, hold it, never mind. Oh, I. पीपल कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं आपकी ऑल साइंस लव रीडिंग फॉर द न्यू मून। ओके, वी जस्ट क्रॉस्ड अ फुल मून इन स्कॉर्पियो। अ न्यू मून इज कमिंग अराउंड, यू नो, इन द नेक्स्ट फेज, द लूनर फेज। और मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काइंडली हैव लुक। हम एक एलिमेंटल रीडिंग कर रहे हैं, हमने अभी फायर साइंस किया है, अब वाटर साइंस करने वाले हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सो हम विजडम ऑफ ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो एलिमेंट के लिए ऑरेकल सेम रहेंगे और टैरो हम ऑब्वियसली अलग अलग पुल करेंगे फॉर कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। टाइम स्टैम्प होगा, आप एक्चुअली में देख सकते हैं, आप इंट्रो स्किप करके। सो लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस that have to come out. Show me the message, Michael. I need to see. My Cancer, Pisces, Scorpio. What is the wisdom oracle deck trying to convey? What is the message I need to deliver? Show me the message to the highest. हम energies में tap in करते हैं, genders में नहीं करते हैं, reversals नहीं करती हूँ unless I'm guided to Vedic question, दोनों में dabble करती हूँ। Zodiac numbers जो बात करेंगे उनके बारे में ज़रूर बात करूँगी। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना चैनल को, if you watching, if you connect and spread joy, peace, happiness, यार। There are no reasons or seasons for it. आपके सब्सक्राइब करने से, घंटी दबाने से मेरा चैनल ग्रो करेगा एंड आई सेंड यू अमेजिंग लव, अमेजिंग लाइफ दैट आई एनी विच वे डू माइनस एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर आप कर देंगे तो ऑब्वियसली वो बोथ वेज हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दैट वाज अ क्विक बटन। चलिए, सो द मैसेज आई नीड टू सी फॉर माय कैंसर पिसेस स्कॉर्पियो, व्हाट इज द विजडम ओरेकल डेक ट्राइंग टू कन्वे, व्हाट वी नीड टू सी। हाईएस्ट गुड के लिए दिखाएगा, हिंदी इंग्लिश रीडिंग है ये, बिकॉज दिस इज हाउ आई हैव बीन गाइडेड टू डू इट। ठीक है, there are three. I'm going to take two. There's higher power and there's peace. My Cancer, Pisces and Scorpio. So yes, do watch a reading that I did about the messages of your love messages, your current energies of your ex or your next, okay? Because this is a single and a couple reading both. When I say that, I say that. So with the higher power, it's about your spirit guides, ancestors, your masters who are watching over you, जिनमें आप believe करते हैं, ताना में है, शिव में, अल्लाह में है, वाहिगुरु में है, जिसमें भी मानते हैं, वो सब आपको watch कर रहे हैं। They're saying that you protected, you guided, you have nothing to worry, okay? And it's about that nostalgia that, you know, suddenly you have that awakening. You know, with the new moon around, you would see that there would be a lot of a relaxed energy that you will be going in with this oracle that I see, and you would be able to sort of bring about a certain balance between your head and your heart, jo restore karega aapka peace. Okay, and when we talk about peace, it's about also understanding that, you know, you're very close to receiving a change. So the change is going to be very beautiful because you will have, जैसे मैंने कहा, you will have like that awakening, that epiphany, that something good is really coming your way in the form of new love for some. Trust me, mark my words, okay? So ये जो नया है या जो भी नई energy आपकी life में आने वाली है, ये बहुत ही serene, बहुत ही calm, बहुत ही beautiful होगी, बहुत ही enriching होगी, या existent अगर है तो वो बहुत सडनली एक एपिफनी और एक उस एस्पेक्ट से जाएगी विद द हाई पावर, दैट कुछ एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं ना हम, कि वो होगा और आप रियलाइज़ करेंगे कि माय गॉड, रियली इतना ब्यूटीफुल कुछ है, और अगर है तो लेट्स एन्जॉय दिस। ओके, सो इट्स लाइक जब दो लोग इन अलाइनमेंट होते हैं ना, जैसे कहते हैं गाड़ी के दो पहिए जब संग चलते हैं तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, ये वैसा वाला एनर्जी है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो विद द हायर पावर एंड विद द पीस हियर, ये वैसी वाली एनर्जी है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन, इट्स अबाउट द माइंड एंड द हार्ट कमिंग टुगेदर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल टाइम फॉर माई वाटर साइंस ऑनेस्टली, एंड इट्स ऑल्सो अबाउट समवेयर डाउन द लाइन टू सी दैट यू हैव स्टेप्ड इनटू योर पावर, कि आपको सडनली एहसास हो गया कि आई हैव फाउंड द राइट वन फॉर मी, स्ट्रॉन्ग सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है फॉर सम, एंड यू वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड योर मास्टर्स, योर गाइड्स आर गिविंग यू दैट ब्लेसिंग, सेइंग दैट हाँ ये सही है तुम्हारे लिए।
सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ओके। और जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी तरह से आप मेडिटेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज दैट्स ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ हार्मनी, दैट्स ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ पीस इन योर लाइफ। वो बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, और यू विल बी वेरी प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी गाइडेड, और किसी भी लेवल पे आपको कोई भी ना कन्फ्यूजन नहीं है, विच इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। अगर आप ध्यान से देखें, सो देर इज़ अ फेस हियर, देर इज़ अ फेस हियर, राइट? सो देर इज दिस स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट विच हैज़ कम अराउंड, देर इज दिस एपिफनी, देर इज दिस अवेकनिंग, जहाँ पे उनका अजना, जहाँ पे उनका थर्ड आई हैज़ ओपन, उनको सडनली ये रियलाइजेशन हो रहा है, मे बी यू विद द राइट वन, सो दैट इज़ अ यूर एट पीस, यूर एट दैट स्टेट जहाँ बहुत कंफर्टेबल है, एंड यू आर ओके अबाउट एम्ब्रेसिंग द चेंज ऑल्सो, यू सींग दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल इन एम्ब्रेसिंग द चेंज बिकॉज दिस इज़ वॉट आई ऑलवेज वॉन्टेड ऑल माई लाइफ, और फाइनली यू नो आई थिंक आई हैव इट। और वो जो एक पीस का होता है ना, एक जो वाइब होती है, जब आप बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, आप आराम कर रहे होते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई म्यूज़िक ही है आप सुनते हैं, या कोई बुक पढ़ते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, तो आपको एक बहुत ही तसल्ली सी मिलती है, या कोई ड्रिंक पीते हैं तो यू फील अमेजिंग, राइट? ये वैसा सा वाइब है, यू फील एट होम विद द पर्सन यू आर राइट नाउ, बिकॉज ये बहुत ही कंफर्टेबल पार्टनरशिप है। एक रिलेशनशिप प्योर और अच्छी तब होती है और हेल्दी तब होती है जब वो पार्टनरशिप हो के इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पे ये ना ये एफर्ट ना हो कि यार मैं ज़्यादा करूँगा तो ये रिश्ता चलेगा, या वो ज़्यादा करेंगे तो ये रिश्ता रहेगा, नो। जहाँ पर ये होता है ना, यू नो व्हाट, आप दोनों एक दूसरे के लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाने को रेडी हो, और आप कहते हैं यू नो व्हाट, वील मेक दिस हैपन, वील मेक दिस वर्क, तो जो स्पिरिट है ना, जो एंजल्स हैं, जो आपकी गाइड्स हैं, वो आपको सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं कि बेबी कुछ बहुत कमाल का आपकी लाइफ में आने वाला है या आ चुका है, और उसमें वो चेंज आने वाला है। जो आने वाला है अगर फॉर माई सिंगल गाइज, इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक, उसको तहे दिल से कम्प्लीटली उसको एम्ब्रेस करिए, इंजॉय करिए, यू नो मेक द मोस्ट ऑफ इट। सोशल रिस्पॉन्सिबल रहेगा कोविड टाइम्स हैं, ओके, एंड देखिएगा कि किस तरह से यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और जब भी कोई भी इंसान आपके साथ जुड़ता है ना, तो उसके साथ आपका सिर्फ एक फिजिकल बॉन्ड नहीं होता, उसके साथ आपका एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी होता है, एक कनेक्शन बनता है। तो ये बहुत ही पावरफुल कनेक्शन है विद समबडी हु इज़ यू नो रियली कमिंग योर वे, हु इज़ ब्रिंगिंग इन दैट काइंड ऑफ लाइट फॉर यू, हु इज़ ब्रिंगिंग इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी फॉर यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, बिकॉज आई एम अ कैंसर राइजिंग, एंड ऑनेस्टली लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन। Let's see. So I'm going to start with Cancer. What is the tarot? I'm using the lights here, right? For the tarot. Let's see for my Cancers. What do they need to see? You're daydreaming, my Cancerians. Why are you daydreaming? क्या बात है? Cancerians are daydreaming, are they? देखिए आप देखते हैं reading, okay? Like और subscribe करेगा. That feels good, यार. Let's see, we are very close to 100 subscribers. मैं यही बस कहना चाह रही हूँ आपको. So we have the three cards here. जैसे मैंने कहा आप ड्रीम कर रहे हैं, मे बी ऑफ समवन. सो वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हियर माई कंसेरियंस फॉर यू. सो मे बी यू डीलिंग विद जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस strong air sign, could be a fire sign also. I see Leo, I see Sagittarius, okay? With the five of wands, there is something which you felt was not working. आपको लग रहा था, या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको लग रहा था कि you know there's lack of clarity, there's conflict, but there's no conflict because there's super alignment right now that I see here with the cards. It's just that जो आपको नहीं समझ आ रहा था ना, जो आप नहीं समझ पा रहे थे, दैट्स व्हाट दे सेइंग, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज दैट अलाइनमेंट, दैट सेंसिबिलिटी इज गोइंग टू कम टू यू, बिकॉज वंस यू स्टार्ट बीइंग इन दैट एनर्जी ना, वंस यू स्टार्ट सेइंग कि हाँ यार आई बिलीव इन द मैजिक, सो मैजिक एग्जिस्ट्स, तो ऑटोमेटिकली वो मैजिक प्रिवेल करता है, ओके? यू हैव द पावर टू टर्न योर ड्रीम्स इन टू रियलिटी. वो आप कैसे करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड्स. यू हैव टू टेम द बीस्ट विद इन यू ऑल्सो. This could be your energy also. Take it as it resonates. आपकी energy भी हो सकती है all fired up. You know, you've been doing certain things in a certain way. They're saying that you'll have to change it a little, okay? So,
प्लेजर चाहिए, अगर कोई आपको पीस करे, कोई आपको लाइक करे, कोई आपको स्पेशल फील कराए, तो वो आपको भी करना पड़ेगा ना, राइट? यू हैव टू टेम द बीस्ट ऑल्सो, कि आपको भी वो करना पड़ेगा. वो शायद आपको डिफिकल्ट लगता है, बट दे आर एडवाइजिंग यू टू डू दैट, कि वो आपका करना बहुत ज़रूरी है. एंड वो करते हैं तो ये तो बहुत पैशनेट, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रांग, जिसे मैं बोल रही थी, विथ सुपर पावर काइंड ऑफ कनेक्शन, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये, जो भी आ रहा है नया. और अगर एग्जिस्टेंट है तो वो फायर अप हो रहा है बिग टाइम. बहुत पैशन है इसमें, आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं, मुझे लगता है एक दूसरे की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं. बहुत खूबसूरत है मे बी आपका पार्टनर, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या जिनके बारे में अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है, तो आप बहुत खूबसूरत हैं उस तरह से. सो इट्स अबाउट स्टार्टिंग विद दैट काइंड ऑफ वाइब, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ हीट that I see. And you don't have to worry about a thing. It's just that you'll have to bring about the balance into life, so that the conflict doesn't remain anymore with the five of wands. आप उन issues को address कर पाएँ जो उसको hold back करते हैं, और वो balance नहीं आने देते हैं. वो cancers आपको ये advise कर रहे हैं that it is strong, it's powerful, it's got passion, it's got purpose, it's got everything, it's got the physical attraction, it's got the spiritual attraction too. So वो bond बहुत तगड़ा है. आपको कैसे उसको balance करना है, that is up to you, right? Communication I see is going to happen shortly. कुछ online है ये, which is going on for some, I think. And you might be dealing with a Sagittarius also, there's a possibility. Strong Sagittarius energy नज़र आती है. और उसके साथ साथ Gemini Libra मैंने कहा है, आप of course deal कर रहे हैं. So you don't have to worry. I think just tame certain things. आप अपने आप को थोड़ा सा change करिए. And offer pleasure, offer relaxation to your partner. I think Cancers, that would be great. और क्योंकि Gemini is a very social kind of vibe, kind of energy. Air signs are such, right? So encouraging रहिए. और अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग इन द सेम लाइट, सो दैट यू कैन हैव अ गुड टाइम टुगेदर. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माई कैंसर्स. अमेजिंग रीडिंग, राइट? सो चलिए लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर अ पाइसीज नाउ. व्हाट आर द मैसेजेस आई नीड टू सी फॉर माई पाइसीज. Upcoming new moon, what are the supporting energies, current energies? What do we need to see from our Pisces? What do we need to see from our Pisces? Need to see from our Pisces. Show me the message I need to see, Michael, for Pisces. Five Cups has been out for fairly all, right? Queen of Wands, Five of Cups is what we have. So you've just maybe walked away from a certain relationship, okay? And that's what they're saying there. Take your learnings out of it. But you haven't been honest also for some, I don't know. For some, the message is that, nostalgia is catching up. Why nostalgia hota hai? Hume kyun purani cheeze yaad aati hain? Kyun hum us energy mein rehte hain? Because hume pata hota hai na hamari conscious ko ki humne kuch kiya hai jo hume nahi karna chahiye tha. Right? To aap apne aap ko bhi dekhein ki aapne aisa kya kiya hai jiski wajah se you lost what you lost. Right? So maybe you're dealing with a strong Sagittarius, a fire sign, of course, Aries, Leo. And Five of Cups essentially is your energy. And at the bottom of the deck, I have the Magician. So, Pisces, they're saying that it's about you. It's about you, what you make out of it. That aligned energy of you and the person coming in. Jo bhi aapki life mein aa rahe hain ya existently agar hain, to aap ने जो मिस किया है सेंस ऑफ बैलेंस, आपने कुछ ऐसा किया है, ये मुझे समाव आपके लिए लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जो इन बैलेंस नहीं था, इन प्रोपोर्शन नहीं था, कुछ सही नहीं था, बिकॉज ऑफ विच इट डिडंट वर्क आउट द वे यू हैड एक्सपेक्टेड टू. सो यू फीलिंग द वे यू फीलिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ दैट रीजन. बट गोइंग फॉरवर्ड यू कैन बी इन दिस एनर्जी.
क्वीन ऑफ वंड्स एनर्जी दैट यू कैन हैव प्रीटी मच एनीथिंग दैट यू वांट. यू कैन बी ऑल फायर्ड अप, यू कैन बी ऑल गेट अप, यू कैन डू द सर्टन थिंग्स इन अ सर्टन वे. यू नो शी इज समवन हु इज अट्रैक्टिव, शी इज चार्मिंग, शी इज प्रीटी एंड एनर्जीज में टैप इन कर रही हूँ. ओके, कुड बी योर फेमिनाइन साइड ऑल्सो, माई ब्यूटिफुल पीपल हु आर वॉचिंग. सो इट कुड बी दैट यूर ऑल, यू हैव द एंटायर लाइट यू नो टू शाइन. आपको किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से ऑपरेट नहीं करते हैं फॉर सम रीज़न, तो ऑफकोर्स वो बैलेंस मिसिंग हो जाएगा. सो वो जो एंजेलिक वाइब है वो नहीं रहेगी, और समवेयर डाउन द लाइन चेंज विल कम इन, राइट? बिकॉज जो एग्जिस्टेंट है वो चल रहा है, वो नहीं चल पाएगा ना उस तरह से, वो उसको बदलना ही होगा. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट मोर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हु रियली मैटर. ओके, डोंट स्ट्रेस ओवर पीपल हु यू थिंक वो डू सर्टन थिंग्स फॉर यू. बेनिफिट के लिए अगर कोई रिश्ता आप बना रहे हैं ना, वो कभी नहीं चलेगा, माई पाइसिस. ओके, सो मेक श्योर दैट यू मेक द राइट मूव सो दैट यू रिसीव द राइट थिंग्स इन लाइफ. आप बाउंड्रीज तो सेट कर लेते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि वो जो बाउंड्रीज आपने सेट की हैं, क्या उन बाउंड्रीज में आप अपनों को भी आने से मना कर रहे हैं, राइट? सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड आप किसके लिए क्या बाउंड्री लगा रहे हैं, ठीक है? अभी जुपिटर हैज़ टू कम इन टू योर साइन, इट स्टिल हैज़न कम इन टू योर साइन. वीनस इज अराउंड, बट वीनस विल नॉट हेल्प यू विद स्ट्रेस. जो आपका स्ट्रेस है ना, उसको आपको अलाइन करना होगा विद योर एनर्जी. यू विल हैव टू मेडिटेट, यू विल हैव टू अलाइन योर हार्ट एंड योर माइंड. और ये जो न्यू लव आपकी जीवन में आ रहा है ना, दैट हैज़ ऑल द पावर टू चेंज योर रियलिटी. इट कैन बी एज एंजेलिक एज दिस फिगर हियर, एज ब्यूटिफुल, एज सीरीन, एज प्योर, यू नो, जो आपकी सारी वरी लेकर जा सकता है, आपको इस एनर्जी में रिस्टोर कर सकता है, और आपको ये रियलाइज़ करा सकता है दैट यू नो या यू वर्थ इट. हाँ, सो या ये किसका टैगलाइन था? लॉरियल का, राइट? सो देयर इज नो कॉपीराइट, बट जनरली आई एम सेइंग दैट यू नो या यू वर्थ इट यार. एंड मेक श्योर दैट यू डू सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द राइट स्पेस. एस अ सर्वाइवर दैट यू नॉट यू हैवन बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम द राइट स्पेस, प्लीज ऑपरेट फ्रॉम द राइट स्पेस. दैट इज द पीस इज मिसिंग इन योर लाइफ Pisces, and you are in that divided energy. So जो भी आपकी तरफ आ रहे हैं वो बहुत angelic, बहुत ही beautiful हैं by the new moon. Okay, you are the magician of your life. आप कैसे अपनी dreams को अपनी reality में तब्दील करते हैं वो आपके हाथ में होता है, right? Stars, astro placements of course help करती हैं, लेकिन your karma has a huge role to play. Keep that in mind. और जो existing relationships में हैं, अगर आपने कुछ गलत किया है, so seek forgiveness. And once you seek forgiveness, balance is automatically restored, okay? And with that, you get the higher understanding, the higher knowledge, and you'll go much, much higher. So, jo bhi aa rahe hain aapki life mein, they're going to bring in a lot of balance, they're going to bring in a lot of happiness, they're going to bring in a lot of fire, okay? So, you won't be single for long, that is for sure that I see, okay? So, this is what I have for you, my Pisces. If you like, do subscribe to the channel. And I send you lots of love, lots of light. चलिए अब हम करेंगे हमारे स्कॉर्पियोज की टू रीडिंग. व्हाट इज द मैसेज दैट आई नीड टू सी फॉर माय स्कॉर्पियोज? माय गॉड, सम ऑफ द मैसेजेस फॉर माय स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है? इन लव, अपकमिंग एनर्जी, सपोर्टिंग एनर्जीज क्या है? माइकल शॉर्पियोज फॉर द हाईएस्ट गुड फॉर माय स्कॉर्पियोज. So the eye is good for my Scorpios. Ooh. We have the lovers, we have the five of wands, and we have the four of swords. Why do we have the four of swords? Maybe the truth is about to be revealed. There's a lot of passion. Scorpios are very passionate. Very passionate. Maybe you're dealing with a water sign. Could be a fire sign. Could be an air sign.
आई सी स्ट्रॉन्ग जेमिनी लिब्रा, आई सी या एयर साइन सैजिटेरियस लियो एरीज इज व्हाट आई सी. सो हियर इट्स सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल. विद द लवर्स हियर लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ अट्रैक्शन, राइट. Whoever is coming in hot, fiery, sexy, या existent अगर है तो ये rekindle होने वाला है. Okay, क्या करने वाले हैं मुझे बताइएगा. But आप शायद वही आपको मिलने वाला है जो आप चाह रहे हैं काफ़ी समय से. But keep that in mind, you can be your worst enemy. आप अपने ही ख्यालों से, अपने ही thought process से अपना अपने लिए ट्रबल्स क्रिएट कर सकते हैं. ओके, सो अपने ओल्ड वेज पैटर्न्स को लेट गो करिए सो दैट यू डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स इन लव दैट यू मेड एंड यू बीन रेस्टलेस अबाउट. ओके, सो यू हैव टू लेट गो ऑफ द ओल्ड. दिस फुल मून आई होप इन स्कॉर्पियो यू हैव लेट गो ऑफ द ओल्ड पैटर्न्स इन वेज एंड फियर्स दैट वर नॉट सर्विंग यू. ओके, टू हैव द लव ऑफ योर ड्रीम, बिकॉज दैट इज द रीडिंग सिंपली फॉर यू स्कॉर्पियोज दैट यू आर द मैजिशियन हियर. And you know Mercury is going to go retrograde in May for some, right? You have to watch your sun moon rising, or because of that reason na, you'll have to anchor yourself now. आपको अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा. With the high power here, you'll have to learn to balance your mind and your heart, to have a balanced spirit, to be at peace with yourself. Okay, to be at rest with yourself. आपको अपने excess के पास वापस नहीं जाना है, because I think there is a conflict for some. Please take it as it resonates. हो सकता है आप में से कुछ लोग, there's a reading that I did about the feelings of your ex or your next. हो सकता है you're tempted to go back to your ex. But something new which is coming your way is going to be fantastic. वो बहुत fiery, बहुत passionate, बहुत amazing connection है होने वाला है या आ चुका है. ओके, या जो previous है उसमें बहुत कुछ changes आ सकते हैं अगर आप you know करना चाहें. But advice यही है कि do not go towards the past. Look forward towards the future. And because अभी आपको नहीं लगेगा, लेकिन आपको वही trauma experience होगा with the ex जो आपको past में हुआ है. So advice यही है that you know you're the magician, you can change your reality. And whoever is coming your way, my singles, is going to be fabulous. I mean it's going to be hot, steamy, amazing. Okay? और उसके साथ साथ थोड़ा सा जो आपको चेक करना है वो ये करना है दैट डू नॉट गिव इन टू प्लेजर टू मच. ओके, डू नॉट मेक द सेम ओल्ड मिस्टेक्स एंड मेक श्योर दैट यू डू द राइट थिंग्स फ्रॉम द राइट स्पेस सो दैट यू कैन हैव ऑल दैट यू वांटिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप विच इज़ अबाउट टू कम बाय द न्यू मून. ओके, सो मैनिफेस्ट वेल दिस न्यू मून एंड कोशिश करिए दैट यू स्टार्ट प्लांटिंग योर सीड्स, स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट कॉलिंग इन the one that you want. So there are a couple of spells that you know I can suggest, so you can connect with me for the extended. So this is what I have for you. If the reading resonates, agar aapko resonate karti hai, so do give me your like and your subscribe, that would mean a lot. Kar dijiyega, acha lagega. And I send you lots of love, lots of light. Stay safe, stay home and be responsible. Okay, bye for now.